नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा, आरजीबी हेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनावी जनसभा की। बिहार में चुनाव है और चुनावी जनसभा चल रही है। इसी क्रम में हालाकी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी हैं सुधांशु शेखर, जिनके समर्थन में जेडीयू के वरिष्ठ नेता सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हालाकी विधानसभा के गंगौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार। तो एक एक काम आपको हम बता देना चाहते हैं, मौका दीजिएगा तो आपकी इच्छा के मुताबिक कई गांव को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थानों तक जाने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे और शहर और बाजार हर जगह बाईपास बनवाएंगे और जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर। तो जब मौका दीजिएगा तो हमने संक्षेप में कुछ बातें कही है, लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जा दो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी, 95,000। आज जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको तखा का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह की बातें हमने बताई, नई तकनीक का ट्रेनिंग, नई औद्योगिक नीति जो बनी है उस औद्योगिक नीति के माध्यम से हम लोग इतना ज्यादा उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आया, आप लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आया, आप लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और लोगों को लोग उल्टा पुल्टा करते हैं और जान लीजिए समाज में तो सब लोग ठीक हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, करेगा ही, तो कुछ लोग पैसा करने वाले हैं, तो इसलिए हमको उसकी कोई चिंता नहीं। हमको आप कुछ लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और लोगों की सेवा करना हम लोगों का धर्म है। इसलिए मौका दीजिएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हम इतना ही आप सब लोगों को कह देंगे। और जो आपने पिछली बार विजयी बनाया सुधांशु शेखर जी को, ये व्यक्ति सिर्फ बात करता है विकास के बारे में, अपना योगदान देंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से ये अपील करने आए, आज तो अभी हमको कई जगह पहुंचना है, हम यही कह करके। और अगर कोई समस्या बची रहेगी, आप जान लीजिए हम हर वर्ष एक एक जगह घूमते हैं, अगर कोई समस्या रहेगी चुनाव के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर आकर के हम देखेंगे कहीं कोई और समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सब एकजुट रहिए। कुछ लोग समाज को बांटना चाहता है, झंझट पैदा करना चाहता है, और समझ लीजिए अगर लोगों के चक्कर में आपस में विवाद पैदा करिएगा तो फिर 2005 के पहले का बिहार बन जाएगा, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। और कितनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को भागना पड़ा, कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर भागे
और जब हम लोगों की सरकार बनी, जो लोग यहाँ रहा था उसको पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करके सबको सम्मानित किया। तो आप जरा ध्यान दीजिए, हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग लोगों को गुमराह करते हैं, और जो गुमराह करने वाले की बात चलेगी, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके आप समझ लीजिए आपका और बुरा हाल कर देगा लोग। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, किसी के चक्कर में पड़ के आपस में कभी विवाद मत पैदा करिए, प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करना चाहिए, एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए, बिहार आगे बढ़ेगा और देश के तरक्की में योगदान करेगा। आज केंद्र सरकार का भी सहयोग है, जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उन लोगों ने देश के विकास के लिए काम किया है और बिहार के विकास के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू किया है। तो मिलकर के केंद्र का सहयोग और राज्य का मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, यही आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। तो आपके बीच में आए हैं तो हम क्या उम्मीद करके जाए भाई, सुधांशु शेखर जी को जिताइए, भाषण दे दिया, हमारा बहना दे, तो आपके सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट पड़ेगा, सवेरे से ही हमारी बहने हैं, साहब से हम यही अपील करेंगे कि एकदम सुबह 7 तारीख को सबसे पहले वोट कीजिएगा, तब आकर के घर में भोजन बनाइएगा, पहले मतदान तब जलपान, सबसे यही आग्रह करेंगे भारी संख्या में मतदान करके इनको काफी बहुमत से विजयी बनाइएगा। जब हम यहाँ पर आए तो नीचे से ही बोल रहे थे लोग कि हम इनको 30,000 वोट से जिताएंगे, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में आपसे जाने की मैं इजाजत चाहता हूं। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है लगातार विकास कार्य की जा रही है, एक बार फिर से मुझे मौका दीजिए, हम और भी विकास करेंगे। इसी क्रम में गुस्साए लोगों के द्वारा उनके ऊपर आलू और प्याज भी बरसाए गए। उन्होंने आलू और प्याज बरसाने वाले से कहा कि और बरसाओ, तुम जैसे लोग ऐसे ही कर सकते हैं। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।